नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ व्यास सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में नगर निगम और नगर निकायों में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना से वर्चुअल माध्यम से किया गया। दरअसल पूरे बिहार के लिए पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपी गई। इसी कड़ी में बेगूसराय के दिनकर भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बेगूसराय में रैन बसेरा का उद्घाटन और सम्राट अशोक भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आज जो नगर विकास विभाग का कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी जिलों के कुछ कुछ योजनाओं का उसमें शिलान्यास उद्घाटन किया गया। बेगूसराय जिला में भी रैन बसेरा का था, उसका उद्घाटन किया गया। और सम्राट अशोक भवन है, उसका भी जमीन चिन्हित होकर सब हो गया, उसका भी शिलान्यास किया गया है। और इसी प्रकार साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी यहाँ से भी सभी नगर निकायों के लाभुकों को बुलाया गया था, तो उनको भी हम लोग सिंबॉलिक रूप से यहाँ भी चाबी दिए हैं। और पूरे बिहार राज्य के लिए लगभग 12,000 ऐसे लाभुकों को आज उसका लाभ प्रदान किया गया है। और बेगूसराय जिला में भी बखरी नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र का लगभग 300 नगर निगम में भी 100 के आसपास हैं। इसी तरह सभी नगर निकायों में 100 के आसपास लाभुक हैं और 300 बकरी का है, तो इन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। तो इसी कार्यक्रम का जो पटना में कार्यक्रम हो रहा था उसी का लाइव प्रसारण भी था, तो सभी माननीय सदस्यों को भी यहां पे आमंत्रित किया गया था और साथ ही साथ सभी लाभुकों को भी बुलाया गया था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि राजद कार्यकर्ता रितु सिंह की हत्या जदयू मंत्री लेसे सिंह के भतीजे से करवाई गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी की ओर से सफाई दी है और कहा है कि प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रही है। वहीं जिस तरीके से राष्ट्रगान को लेकर बिहार विधानमंडल में हंगामा खड़ा हुआ था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सबको राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। कौन क्या है, प्रशासन का काम है, प्रशासन काम कर रही है, ये हम संगठन के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, उस पर प्रशासन काम करेंगे। हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आधारभूत संरचनाओं की कमी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि बख्तियारपुर में नया इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। कॉलेज में आधारभूत संरचनाओं की कमी है, साथ ही कॉलेज के बच्चों की समस्या थी कि कॉलेज आने जाने के लिए सड़क का चौड़ीकरण कर NH से जोड़ा जाए। बच्चों की समस्याओं को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये बख्तियारपुर में बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का आज निरीक्षण किया है और उसका उद्देश्य है कि ये नया कॉलेज बना है जिसकी जो समस्याएं हैं आधारभूत समस्याएं हैं उसको देखना। जैसे तो अभी सड़क की मेन समस्या है, बच्चों को थोड़ा विलम्ब भी होता है आने से, तो प्रस्ताव है जिसको 4 लेन से अच्छे से जोड़ा जाए और दोनों तरफ से जोड़ा जाए। पुराना हमारा रोड था जो नया बाईपास बना है, मुख्य डिमांड है। दूसरा बच्चों की डिमांड थी यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे। तो जो यहाँ की समस्याएं हैं वही देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि इसको और बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि बच्चों को लाभ मिले और किसी प्रकार की असुविधा लोगों को नहीं हो। गणेश हाई स्कूल गए थे सर? हाँ, गणेश हाई स्कूल में भी नया भवन बनना है तो उसको देखने गए थे, तो उसका भी निर्माण कार्य 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रेटर पटना का भी काम तेजी से चल रहा है। वहीं शहरवासी के घर से निकले गंदे पानी को रिफाइन कर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई में प्रयोग करने की दिशा में भी काम चल रहा है। बहुत जल्द इस काम को भी समय सीमा के अंदर जल संसाधन विभाग के सहयोग से करा लिया जाएगा। ग्रेटर पटना के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ की कौन ग्रेटर पटना का पार्ट होगा और ग्रेटर पटना में कौन जगह क्या होगा, एक एक चीज होगा और किसी के घर में, तो ये सारी बातें तो इन लोगों ने बताई है। जो भी घर का जो इस्तेमाल करिएगा पानी निकलेगा, तो उस पानी को लेकर के बाहर जाना है और उस पानी को फिर साफ करके गंदा पानी को, और फिर हमने यही सुझाव दिया है कि शहर के अंदर जितना पानी है उसको देहाती इलाके में
सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग। अब इसके लिए 3 साल पहले और हमने इसके लिए जो जल संसाधन विभाग है उसको भी कहा तो उन लोगों ने इसका काफ़ी एक कॉस्टली बना दिया था, तो फिर उस पर भी हमने मीटिंग की कि इतना कॉस्टली की जरूरत नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये करके इसको पहुंचाइए और लोग सुविधा से अपने खेती के काम में लोग लेंगे। तो ये दो चीज़ को भी हम आप लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ग्रेटर पटना का भी काम जो है भूलिएगा मत। अब जो ग्रेटर पटना के लिए कितना साल लगाया गया और उसके लिए पूरा का पूरा इसको तय किया गया, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और एक एक चीज, तो उसी के हिसाब से जो तय चीज है हमने पहले भी आपकी मीटिंग में कहा, आज भी आपने हमको बुलाया है, तो एक ही हम सुझाव देंगे कि पटना के लिए, राजधानी पटना के लिए उस चीज का भी काम आप लोग जरा तीव्रता से जरूर करिएगा। ये हमारा सुझाव आप सब लोगों के प्रति होगा। और जो कुछ भी सिंचाई के लिए हमने कहा, हमको तो आप लोगों ने सूचना दी है कि 8-9 जगहों पर DPR तैयार किए, ये जान करके मुझको अच्छा लगा। अब DPR अब तैयार किए उसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी बना करके ताकि कहीं से भी इधर से उधर नहीं हो। अब उसके अलावे जो कुछ भी था कि इसको तेजी से काम को पूरा करना है। अब आप समझ लीजिए कि ये सब काम तो करना ही है और इन सब चीज़ों को तो तेजी से करना ही है। और जो कुछ भी बात आप लोगों ने पूरे तौर पर बता दिया कि 4 जो शहर को किया गया नगर निगमों को, तो उन सभी जगहों पर सब जगह का पूरा काम जो चारों जगहों पर इसको केंद्र ने स्वीकृत किया है, तो उन सब जगहों पर भी काम को आज आपने पटना शहर का और अन्य जगहों का भी किया है, कुछ काम शुरू कराया है, तो उन सब चीज़ों का भी जो काम आपने शुरू कराया है ये खुशी की बात है। और इन सब चीज़ों को आप पूरे तौर पर और तेज़ी से काम जरूर करवाइए सभी अन्य जगहों के लिए। जो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसकी तो हमने चर्चा कर दी, करना ही, लेकिन जो बात आया है 4 शहरों को जो चिन्हित किया गया। बिहार शरीफ में लंबे अरसे बाद स्मार्ट सिटी के तहत यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक लाइट की शुरुआत की गई। व्यवस्था का पालन कराने के लिए स्वयं DSP यातायात अरुण कुमार सिंह सड़कों पर नजर आए। पहला दिन होने के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हुई लेकिन लोग इसका पालन करते दिखे। वहीं DSP ने कहा कि शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक लाइट के अनुसार यातायात का संचालन किया जा रहा है। शहर में ये बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के 8 स्थानों पर यातायात का संचालन ट्रैफिक लाइट के अनुसार होना है। उसमें से कुछ स्थानों पर ट्रैफिक लाइट लग चुका है और कुछ स्थानों पर लग रहा है। लगे हुए स्थानों में से हॉस्पिटल चौराहा पर आज से यातायात का संचालन ट्रैफिक लाइट के अनुसार किया गया है। तो आज से हम लोग ट्रैफिक लाइट के अनुसार यातायात को रेगुलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा पहला दिन होने के कारण परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ लोग रुक रहे हैं कुछ नहीं रुक रहे हैं, तो उन्हीं को समझाया बुझाया जा रहा है, किया जा रहा है। 1 सप्ताह का हम लोग ट्रायल रखे हैं, टाइम को सेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस रोड को किस साइड के रोड को कितना समय देना है। तो आज से हॉस्पिटल चौक का यातायात संचालन ट्रैफिक लाइट के अनुसार किया जा रहा है। प्रेम प्रसंग के प्रतिशोध में युवक के सिर में गोली मार हत्या की घटना पूर्वी चंपारण के जितना थाना क्षेत्र के सठौरा गांव में पिछले महीने में घटित हुई थी। घटना के पीछे कारण ये था कि रिटायर फौजी के पुत्री से सठौरा गांव निवासी अविनाश सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वर्ष 2019 में अविनाश सिंह प्रेमिका को गांव से भगाकर शादी रचा लिया और घर से दूर रहने लगा। वहीं एक दिन लड़की पक्ष के लोगों ने अविनाश के सिर में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद लड़की के पिता ने आत्मसमर्पण कर दिया। शेष अभियुक्त फरार चल रहे थे। वहीं भारी पुलिस बल के साथ कुर्की चपटी की गई। कुर्की चपटी के उपरांत इस कांड से जुड़े अभियुक्तों ने विभिन्न जिलों के थानों में खुद को सरेंडर कर दिया। मोतिहारी के घोड़ासहन रेलवे परिसर में वर्षों से अतिक्रमण कर चला रहे दुकान को रेलवे प्रशासन ने बल प्रयोग कर खाली करवा दिया। घोड़ासहन बाजार से थाना और बस स्टैंड तक जाने का एकमात्र मार्ग रेलवे ढाला है, लेकिन यह मार्ग लंबे होने के कारण अक्सर साइकिल सवार पैदल चलने वाले इसी परिसर को पार कर आने जाने का काम किया करते हैं।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार में किसानों को आवश्यक खाद, यूरिया, पोटास आदि की कमी को गिनाते हुए सरकार को घेरा है। पप्पू यादव ने कहा कि किसान बिहार सरकार की कमी के कारण अपने खेतों से अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं कर पा रहे। किसानों के नुकसानों की भरपाई कौन करेगा? यदि किसानों को खाद, यूरिया, पोटास आदि प्रचुर मात्रा में सरकार उपलब्ध नहीं करवाती है तो हमारी पार्टी किसानों के समर्थन में 10 तारीख से सड़कों पर आंदोलन करने का काम करेगी। यूरिया चाहिए कम से कम 22 लाख टन और डिस्पोजल की स्थिति 10.32 लाख टन है बिहार में। डीएपी 7.50 लाख चाहिए जिसको मात्र 2.58 लाख ही डीएपी मात्र मिलता है। एमओपी 2.50 लाख टन चाहिए जिसमें 0.32 ही मिलता है। एनपी की 4 लाख लगभग टन चाहिए जिसमें मात्र 2 लाख ही टन मिलता है। बिहार को 10 लाख यूरिया और 10 लाख टन डीएपी की डिमांड है। 62 लाख की खपत है, 24 लाख से नीचे हमारे पास मात्र दिया गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ सही कीमत पर यदि खाद उपलब्ध नहीं कराती है तो पटना से 10 तारीख से आंदोलन की शुरुआत करें। कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। यह विधानसभा नहीं है, यह ठेकेदार, पटेदार, दलाल, माफिया और अपराधियों का जगह है। खाली बोतल पर चर्चा, चुट्टा हरामी कुत्ता बिल्ली पे चर्चा, मंत्री को रोको, पूरा देश का किसान सड़कों पर है उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन एक मिनट मंत्री रुक गए, मेरे ख्याल से वो भी गलती से रुके होंगे। उसके लिए 2 दिनों तक विधानसभा नहीं चली। क्या सांठगांठ है बीजेपी और विपक्ष के बीच? बाप रे बाप, हाथ मिलावल। बीजेपी से ज्यादा विपक्ष पागल था माफी मंगवाने के लिए मंत्री जी को रोक दिया गया। भारी दुनिया ने देखा स्थिति किस तरीके से नीतीश कुमार को गाली गलौज देंगे, जदयू को देंगे तब सुलहनामा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के एक विधायक से जो घटियापनी चरित्र दिखाया वो गलत था, उसके लिए विपक्ष के नेता को 2 दिनों तक सुलह करने के लिए प्रयास करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत बख्तियारपुर नगर परिषद में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 838 लाभुकों को आवास योजना की चाबी सौंपी गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे बिहार में नगर विकास से संबंधित योजनाओं का और हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री सबके लिए आवास योजना, उसके तहत तो लाभुकों को चाबी वितरण का तथा स्वयं सहायता समूह जिसको क्रेडिट लिंकेज किया गया है, ऐसे स्वयं सहायता समूह को एक सिंबॉलिक डमी चेक के माध्यम से ऋण वितरण जो किया गया है, तो वही डमी चेक के माध्यम से उनको भी चेक प्रदान किया जाना। कितने लाभों को आवास का तो इसी में नगर परिषद बख्तियारपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं वायु प्रदूषण ने मोतिहारी को अपने चपेट में ले लिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिपोर्ट सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में मोतिहारी शहर की हवा काफी जहरीली हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट साझा किया गया है उसमें देश के 135 शहरों में सबसे दूषित हवा मोतिहारी शहर का है। बता दें 135 शहरों का एयर क्वालिटी जांच किया गया, उसके मुताबिक आंकड़े में सबसे ऊंचे स्थान पर मोतिहारी शहर का नाम है। 3-4 कारणों से यहाँ प्रदूषण हो रहा है। पहला तो है कि जो
सबसे ज़्यादा जो कारण है वह है पॉपुलेशन का विस्फोट होना। दूसरा जो विस्फोट है वो है कि बिल्कुल ही हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था वो हिल गई है। और तीसरा जो हमारे यहाँ गाड़ी बिकती है या जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उस पर कोई रोक नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिवाय टेम्पू के, बाइक के और पुराने बोलेरो के, क्योंकि किसी के पास पर्यावरण का सर्टिफिकेट नहीं है कितना पोल्यूट कर रहा है वो। तत्काल जो है इसकी समीक्षा करने के लिए हमने यहाँ पे हमारे स्थानीय पदाधिकारी उनको बताया गया है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वाहनों का, इसकी भी जांच की जाएगी। फसल अवशेष अगर कहीं पे चलाए जा रहे होंगे तो उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे बिहार सरकार की जो है बहुआयामी योजना है और बहुत महत्वपूर्ण योजना भी है। लेकिन एक बार फिर से हम अनुरोध भी करने जा रहे हैं कि पुनः एक बार जो है टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो मौसम है अच्छा मौसम दिख रहा है, तो निश्चित जो है हम इसके जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी करेंगे, एट द सेम टाइम जो है क्यूरेटिव एक्शन जो है वो भी हम करेंगे। थैंक यू। और जहाँ भी धूल दिखाई पड़े या डीजल की धुआं दिखाई पड़े तो अपना फेस को सेव कीजिए, आँख को सेव कीजिए, बल्कि नाक के ऊपर यदि रखिएगा तो आपका नाक, मुंह, जो सांस का जो प्रवेश द्वार है वो सुरक्षित रहेगा। और यदि आप चश्मा लगाते हैं या धूप का चश्मा लगाते हैं तो आपका आँख भी सुरक्षित रहेगा। टीवी पर जब आप काम करते हैं या बाहर में काम करते हैं तो जो ग्लास होता है, प्लेन ग्लास होता है, वो लगाइए तो आपके कान, आँख, नाक भी बचे रहेंगे। कान से बचने का तरीका है कि यदि ज़्यादा डेसिबल का म्यूज़िक है तो अपने कान के पास आप हाथ रख लीजिए या पतला रुई का फार रखिए जैसे पहले लोग इत्र लगा के चलते थे। ये सब साइंटिफिक है कि डायरेक्टली आपके ईयर ड्रम्स को इन्फेक्शन नहीं होता था। और ज़्यादातर खांसी का कारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो इसी धुआं से, धूल से और स्मोक से है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।